देखो आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है लीडरशिप। हमें लीडरशिप को डेवलप करना है। भगवान राम को देखो, भगवान राम लीडरशिप सिखाते हैं। आप एक नॉर्मल एग्जांपल लो, आप एक ड्राइवर को बोलते हो यार ये काम कर देना, सब्जी लेकर जा जाना, उसे आप चार पांच बार बताते हो कि किस तरह से सब्जी लेना है, कौन सा लेना है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो एक लीडर नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है और आप डेवलप होने भी नहीं देना चाहते। लेकिन भगवान राम को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को देखिए, हम भगवान हनुमान को वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि यार जाओ लंका में और माँ सीता को देख करके आओ, माँ सीता कैसी है, उनका हाल चाल पूछ करके आओ और उनको ये आश्वस्त करो कि हम आएंगे, हम उनसे आकर के उनको इससे मुक्ति दिलाएंगे और रावण का वध करेंगे। हनुमान जी को बस इतना बोल करके भेजते हैं। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ करके लंका पहुंचते हैं, जो उनको आग बीच में आता है उसको मार गिराते हैं। माँ सीता के पास मुद्रिका लेकर के पहुंचते हैं, माँ सीता को बताते हैं, सूक्ष्म रूप में लंका में घुसते हैं, फिर पूरे लंका में जाकर के वो फल खाते हैं, घूम घूम करके फल खाते हैं, मजे लेते हैं लाइफ के। फिर रावण से मिलने के लिए पूरे लंका में आग लगा देते हैं, उनको विजिटिंग कार्ड देना था, भगवान राम का विजिटिंग कार्ड देना था। देखो मतलब हनुमान जी कितने अच्छे एम्प्लॉई है, अपने एम्प्लॉयर का एक भी रुपया खर्च नहीं करा, एक भी रुपये नहीं। भगवान राम ने उनको भेजा एकदम कहीं और जाकर लंका में होटल में नहीं रुके, जंगल में जाकर के जहाँ पे माँ सीता थी वहां पर जाकर के मिले और सारा खाना पीना वहीं पे किया, जंगल से फल फल लेकर के खा लिए वन से, और जो भी इनके बीच में आया उसको मार दिया, गिरा दिया। और रावण के पास पहुंचते हैं, उनको दिखाते हैं कि जब मैं किनका दूत हूँ, तो जब मैं इतना सब कुछ अकेले कर सकता हूँ तो सोचो कि जब वो आएंगे तो क्या होगा। ये लीडरशिप क्वालिटी है, लीडर को मतलब बताना नहीं पड़ता। भगवान हनुमान एक लीडर थे और उनसे जो ये सब काम करवा रहे थे वो सबके लीडर थे। भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, उन्होंने हनुमान जी को तो कुछ भी नहीं बोला था कि कैसे क्या करना है, बस उनको इतना ही बताया था यार तुमको जाना है लंका में, माँ सीता से मिलना है, उनका हाल चाल पूछना है और उनको ये आश्वस्त करना है कि भगवान राम यहाँ आएंगे और लंका में रावण का वध करके आपको यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लेकर के जाएंगे।